आज है इंटरनेशनल स्टूडेंट सोसाइटी की तरफ से एक हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ट्रिप ब्लार्नी कासल की ओर, तो बस उसी के लिए जा रहा हूँ। अभी बस लूँगा, कॉलेज पहुँचूँगा और वहाँ पे मीटिंग टाइम और पॉइंट बता रखा है, तो वहाँ जाके फिर एक और बस लेंगे। तो देखते हैं कैसा रहता है, दिखाता रहूँगा। ये है वेटिंग क्यू फॉर ब्लार्नी स्टोन के ऊपर पास जाने के लिए, टॉप पे जाना है। ये वेटिंग है, ये है ऊपर का व्यू, यहाँ से आए थे हम इस रास्ते से। वो है प्लेस ब्लार्नी स्टोन को किस करने वाली, so this is the process। डर गई वो शायद। ये अब दिखेगा कैसे करते हैं, ऐसे उल्टा होके बस किस करना होता है स्टोन को, वो ही वाले स्टोन को, ये वाला। डन। यहाँ ब्लार्नी कासल के यहाँ पे एक पॉइजन गार्डन भी है, ये सब पढ़ सकते हैं, पॉइजनस प्लांट है यहाँ पे। यहाँ पे ये पार्क है, घूम सकते हैं, कुत्ते भी अलाउड हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पेड़ देखो भाई कितना गजब है, की ब्रांचेस अमेजिंग। ब्लार्नी कासल से तो हम आ गए हैं, वहाँ पे पत्थर को भी हमने जो होली पत्थर मानते हैं उसको भी किस कर लिया है, और अब ऐसे घूम रहे हैं गार्डन में। और यहाँ पे एक ब्लार्नी हाउस करके उस तरफ जा रहा हूँ मैं, और गार्डन ऑफ पॉइजन तो देखा ही दिया मैंने। बस अच्छा है, वेदर अच्छा है, गार्डन अच्छा है, घूमते रहो अपना, मस्त है, सुकून है। ब्लार्नी हाउस, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अकेला ही घूमे जा रहा हूँ, और भी लोग हैं, वो अपना अपना अलग अलग जगहों पे जा रहे, क्योंकि काफ़ी बड़ी जगह है, तो हर कोई इधर उधर ही है। सो दिस इज़ द फन गार्डन, ये है मामला पानी यहाँ का। यहाँ फन गार्डन के पास में मेरे को सीट मिल गई है, तो मैं घर से प्रिपेयर करके आया था लंच, ब्रेड सैंडविच, तो वो खा लेता हूँ मैं, फिर मिलते हैं। ये हैं आयरिश गायें, दिखाता हूँ अगर जूम हो तो अच्छे से, तो नहीं ये हैं। यहाँ पर ये जो है ये बी ऑब्जर्वेटरी है, मैं दिखाऊँ तो ये देखो, यहाँ पे ये टीवी चल रखा है, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और ये हनी बीज की इन्फॉर्मेशन वगैरह है सब कुछ, डांस लैंग्वेज। ये ब्लार्नी कासल और गार्डन का एरिया काफी बड़ा है घूमने के लिए, और डरने की बात नहीं है, लॉस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हर जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं, तो सब नॉर्मल है। जैसे ही आप देख सकते हो मेरे पीछे, ये भी एक साइन बोर्ड लगा रखा है किस डायरेक्शन में एग्जिट है। लॉस ना होने का एक और सबसे बड़ा कारण है ये, जो इन्होंने एक बुकलेट दी है, जैसे हम एंट्री करते हैं तो इसमें जो है पूरा ऐसे देखोगे मैप बना के दे रखा है, तो इससे हमें गाइडेंस मिल जाती है हम किस डायरेक्शन में जाएँ। यहाँ ये कोई आइस हाउस है, देखते हैं क्या चीज़ है ये। तो ये पुराने ज़माने का फ्रिज है नेचुरल, तो देखते हैं क्या है इसके अंदर माल पानी। ऊप्स,
ये तो बंद है, नहीं जा सकते अंदर।